पश्चिम बंगाल की जेलों में सजा काट रही महिलाएं गर्भवती हो रही हैं। इस हैरान कर देने वाले मामले के सामने आने के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। दरअसल 8 फरवरी को अदालत के सामने एक जनहित याचिका दायर की गई। इस याचिका को दायर किया न्याय मित्र तपस भांजा ने। याचिका के मुताबिक राज्य की जेलों में अपनी सजा काटने के दौरान महिला कैदी गर्भवती हो रही है। ये जानकारी कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश TS शिवगणनम और न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य के पीठ के सामने लाई गई। याचिका दायर करने वाले न्याय मित्र तपस भांजा के मुताबिक जब वो एक पुलिस अधिकारी के साथ एक सुधार गृह में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक महिला गर्भवती है और कम से कम 15 अन्य महिलाएं बच्चों के साथ रह रही हैं, जिनका जन्म जेल में ही हुआ था। साथ ही इस वक्त पश्चिम बंगाल की जेलों में महिला कैदियों के साथ 196 बच्चे भी रह रहे हैं, जिनका जन्म भी जेल में ही हुआ था। याचिका में न्याय मित्र भांजा ने ये मांग की है कि जेल के उन हिस्सों में पुरुष कर्मचारियों और कैदियों के जाने की मनाही हो जहां पर महिला कैदियों को रखा गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि एक बहुत ही गंभीर मामला है, साथ ही जेलों में मेडिकल सुविधाएं भी नहीं है, जिस वजह से महिला कैदी जेल की कोठरियों में ही बच्चों को जन्म दे रही हैं। इससे महिला कैदियों और उनके बच्चों दोनों के स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है, वो बीमारियों की चपेट में आ सकती है। अदालत ने इस मामले के सामने आने के बाद भांजा से जेलों का मुआयना कर वहां की स्थितियों पर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। कोलकाता हाई कोर्ट ने इस मामले को आपराधिक बेंच को ट्रांसफर करने का आदेश भी दिया है। हाई कोर्ट इस मामले में 12 फरवरी से सुनवाई करेगा। बता दें कि न्याय मित्र भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जिसमें पूर्व न्यायिक अधिकारी का चुनाव करके उनसे कुछ पुराने लंबित पड़े मुकदमों की सुनवाई कराई जाती है और उनमें फैसला दिलवाया जाता है। इन अधिकारियों को न्याय मित्र कहा जाता है। देश में मुकदमों की बढ़ती हुई संख्या को कम करने के लिए सरकार ने न्याय मित्र योजना शुरू की है। फिलहाल पश्चिम बंगाल की जेलों से सामने आई इस जानकारी ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो महिलाएं जेलों में प्रेग्नेंट हुई हों उनमें से कई सारी जेल के अंदर किसी तरह के यौन शोषण का शिकार भी हुई हों। हमें नहीं पता है, ऐसा हो भी सकता है, इसलिए इस मामले में सख्त जांच और सख्त कार्रवाई की जरूरत है। जेल में ऐसा होना जेल प्रशासन की लापरवाही को भी दर्शाता है। ऐसा सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं हुआ बल्कि देश के दूसरे जेलों में भी कुछ ऐसे मामले सामने आए। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश की लखनऊ जेल से भी आया, जहां जेल में बंद 36 कैदी HIV पॉजिटिव मिले थे। ये सारी खबरें, ये सारी जानकारियां हमारे जेल प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा करती हैं। उम्मीद है कि ये जानकारी सामने आने के बाद, इन मामलों के सामने आने के बाद प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। इस तरह की और जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।